एन आसन इज द बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल जनरल फॉर्म ऑफ सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड टू हाथ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजिशन एडिंग रिक्लाइनिंग स्टैंडिंग इन्वर्टेड ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग पोजेज इन द फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट पोजेज कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। कहता है कि जो आसन होता है वो अलग अलग पोज में होता है, चाहे वो हम स्टैंडिंग के पोजिशन में हो या फिर इन्वर्टेड पोजिशन में हो, कहीं ना कहीं वो पोजिशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को ही क्या करता है, दर्शाता है। ठीक, फिगर में देखोगे तो यहाँ पर त्रिकोण आसन है, फिर आधो मुखा स्वाना है और फिर आधो मुखा सवासन है। ठीक है, वो आसन को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है वो निहित है। ठीक, कहते हैं द शेप ऑफ पोज, द शेप ऑफ पोज शोन इज स्पाइरल एलिप्स लिनियर और पाराबोला। कहता है इसमें जो पोज है वो कैसा है, पाराबोला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मैंने बताया ही था कि जनरली जो जो होता है शेप वो कैसा होता है, पाराबोलिक होता है ना। द ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, कहता है ग्राफ जो होता है वो पाराबोला का वो डाउनवर्ड ओपन होगा कब, पाराबोला का जो ग्राफ है ठीक है वो क्या होगा, कहता है ओपन्स डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ओपन होता है कब, इसका कंडीशन दिया गया है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज लेस देन जीरो और ए इज ग्रेटर देन जीरो। सी क्यों, डी होगा, एक बोल रहा है सी होगा एक बोल रहा है डी होगा, किसका ऑप्शन सही है, ए इज लेस देन, ए इज ग्रेटर देन जीरो और ए इज लेस देन जीरो। ए होता क्या है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में कह रहा है तुम लोग तो देख रहे हो द ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, पाराबोला का जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। अगर इसमें देखोगे यहाँ पर कह रहा है क्या, बात कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, ठीक है ध्यान देना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ही ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पाराबोलिक होता है, पाराबोलिक होता है तो कहता है कि जो शेप होगा वो अगर ऐसे लेंगे ये डाउनवर्ड है ना, दिस इज द डाउनवर्ड, अगर ऐसे लें ऐसे ग्राफ लें ये डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक, अगर इसको ऐसे लेंगे तो ये अपवर्ड ओपन होगा। ये दो तरीके का ग्राफ बन सकता है पैराबोलिक, या तो वो डाउनवर्ड ओपन होगा या तो अपवर्ड ओपन होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए इज व्हाट, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही हम पूछ रहे थे कि ए है क्या, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कहता है कि ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड ओपन होगा कब, कंडीशन दिया है ए के साथ। ठीक, तो अब बताओ ए इज लेस देन जीरो और ए इज ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है ए इज ग्रेटर देन जीरो और ऑप्शन सी कह रहा है ए इज लेस देन जीरो, कंडीशन क्या होगा बताओ, ए इज लेस देन जीरो होगा। चलो ठीक, हम इसको एक इसको हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट से प्रूफ करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बन सकता है। ठीक, मान लेते हैं कोई कोई कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि आदित्य थोड़ा सा उसको इधर हल्का सा मूव करो, तो और मूव करो, हाँ ठीक, कंडीशन ले लेते हैं, सपोज के हम मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की जगह हम ले लेते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई। ठीक, इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरा ये कंडीशन हो गया कब, व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर ए जो है वो लेस देन जीरो है। दोनों कंडीशन में ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, मिरर इमेज बना लेते हैं पहले। ठीक, मिरर इमेज बनाने के लिए क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू रखेंगे वाई का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर जीरो रखते हैं, ठीक, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू फाइव आएगा फर्स्ट वाले कंडीशन में, और अगर एक्स का वैल्यू वन रखेंगे
सॉरी, अगर x के वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 3, और x के वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 5, ठीक। और सेकंड वाला कंडीशन देखते हैं, सेकंड वाला कंडीशन ये कहता है कि x और y सेम है, ठीक। x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 0, ठीक, y का वैल्यू मिलेगा 3, और x का वैल्यू लेंगे 1 तो y का वैल्यू मिलेगा 2, सॉरी y का वैल्यू मिलेगा 1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी वैल्यू 1, ठीक। अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं दोनों कंडीशन को। फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 1, तो y का वैल्यू 1 इधर हो गया, ठीक। और x का वैल्यू अगर क्या है 1 तो y का वैल्यू 5, ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक। और अगर निगेटिव लेंगे, सपोज x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं, x का वैल्यू -1 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, तो y का वैल्यू 5 आएगा। मतलब x का वैल्यू -1 यहाँ पर तो y का वैल्यू 5, मतलब ये ग्राफ ओपन हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर x का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, सॉरी a का वैल्यू 2 रख रहे हैं, 2x स्क्वायर लिए थे, क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, डी ऑप्शन, क्लियर, डी ऑप्शन खत्म होगा ना, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, डी ऑप्शन खत्म हो गया, और ए ऑप्शन भी खत्म हो गया क्योंकि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह रहा है, ठीक है। और a इज इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन तुम लोग खुद से ट्राई करके देख लोगे, एलिमिनेशन से हम एक प्रूफ किए, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि वो क्या है, सही है, क्लियर। तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, एलिमिनेशन का इस्तेमाल तभी पॉसिबल है जब हम उसके बारे में थोड़ा भी जान रहे हैं। अगर हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो एलिमिनेशन भी काम नहीं करेगा। नॉलेज एलिमिनेशन यूज करने के लिए भी क्या होना चाहिए, हमको एटलीस्ट इतना तो जानकारी होना चाहिए जो हम यूज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चले हैं, बना के लाए हो ना तुम लोग, ठीक। हाँ पूरा बना के लाने का था, कहते हैं इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल का कितना जीरो होगा, 1 2, ऑप्शन सी, ठीक, क्योंकि दो पॉइंट पर टच कर रहा है तो 2 0 होगा। मैंने बताया था कि जितनी टाइम्स एक्स एक्सिस पर कट करेगा उतना डिग्री का पॉलीनोमियल होगा, और एक पॉलीनोमियल जितना डिग्री का होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द टू जीरोज ऑफ द अबव शोन ग्राफ आर, यहाँ पर बोल रहा है दो इस ग्राफ में 2 जीरोज, तो यहाँ पर एक -2 पर टच कर रहा है और एक -4 है, +4 है, तो -2 और 4, तो -2 और 4 ऑप्शन बी में है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसका जीरोज बोल रहा है निकालने के लिए, फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज कर चुके हो है ना, 4 * 3 = 12 और 12 * 2 = 24, 24 आएगा, -24 को ब्रेक करेंगे 5 के लिए तो 8 और 3, यानी 8 और 3 करेंगे तो +8 और -3 करोगे तो यानी रूट में ही आंसर आएगा, ठीक है, और ऑप्शन भी सारा रूट में ही है, तो 8 लोगे तो बचेगा 2 और -√3 है ना, क्या प्लस, अरे वो नहीं, हम बोल रहे 2 - √3 तो √3/2 आएगा, अच्छा छोड़ो कोई नहीं हटाओ, हम शॉर्टकट मार रहे थे, और फैक्टराइज करना आता है ना, हाँ। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज कर देना सिंपली, अब फैक्टराइज भी नहीं करोगे तो अब क्या ही करोगे। ये भी पॉलीनोमियल का ही केस स्टडी है, इसमें भी पैराबोला की ही बात कर रहे हैं ना। देखो हम पहले ही कहते कि ये सीबीएसई का है, इसको बना लोगे, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न दिया हर में सेम टाइप का ही रिपीट किया, तो अगर इसको कंप्लीट कर लोगे तो हमको नहीं लगता मैथ्स का केस स्टडी छूटेगा,
इसलिए क्योंकि पूरे चैप्टर का उसी पोर्शन को उठा करके ऐसी स्टडी बनाया जिस जो पोर्शन से बनाया जा सकता है। ठीक, तो एक बार अभी बना लोगे, लास्ट में एग्जाम के टाइम में भी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, सबको प्रिंट निकाल के दे देंगे। कितना, तीन तीन चार प्रिंट और चाहिए है ना? ये केस स्टडी वाला चार प्रिंट और चाहिए, तो चार लोगों को हम निकाल के दे देंगे, कल प्रिंट निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं केस स्टडी थ्री। कहता है बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विथ स्फेरिकल बॉल। बास्केट और सॉकर जो वो दोनों स्फेरिकल बॉल से खेला जाता है। ठीक, बात यहाँ पर स्फेयर किया जा रहा है। कहते हैं इवन दो एन एथलीट dribbles the ball in both sports a basketball player uses his hands and a soccer player uses his feet। दोनों में डिफरेंस बताया कि बास्केटबॉल में क्या होता है और सॉकर में क्या होता है। बास्केटबॉल में जो है हैंड का यूज करते हैं और सॉकर में जो है हम लोग पैर का यूज करते हैं। यूजुअली सॉकर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन अ लार्ज फील्ड एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इनडोर ऑन अ कोर्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक आउटडोर गेम है, एक फील्ड में खेला जाता है, और दूसरा जो है वो इंडोर गेम की तरह कोर्ट में खेला जाता है। कहते हैं द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस्ड ऑफ सॉकर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लेकिन जिस तरीके से फेंका जाता है, अगर हाथ से फेंक रहे तो इस तरीके से फेंकते हैं, तो वो भी क्या करता है, एक पैराबोला का फॉर्मेशन करता है। और सॉकर प्लेयर जो होता है वो भी क्या करता है, जब किक करता है बॉल को तो पैराबोलिक शेप ही बनाता है। ठीक, कहते हैं द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड एज़ शोन इन द फिगर इज पैराबोला, पहले भी आ चुका है। द ग्राफ पैराबोला ओपन अपवर्ड, अभी मैंने प्रूफ किया कि अपवर्ड ओपन होगा। ठीक, तो अपवर्ड ओपन होगा, देखो जहां पर इक्वल टू का साइन उसको पहले काट दोगे, क्योंकि वो पैराबोलिक होता ही नहीं है। एलिमिनेट करने का सिंपल सा तरीका है। ठीक, कि हम एलिमिनेट करेंगे कैसे, जो सबसे बेकार सा ऑप्शन है, हाँ जो सबसे बेकार सा ऑप्शन है उसको सबसे पहले काट के हटा दो। इसीलिए हम एलिमिनेशन को सबसे बेस्ट मानते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन में फिर 50-50 बच जाता है ना अपने पास। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू है। ए बरा ए इज इक्वल टू जीरो अगर कह रहा है, मतलब कि वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ही नहीं, और जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं तो मतलब कि वो पैराबोलिक बनाएगा नहीं। ठीक, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया, बच गया ये, और अभी प्रूफ किया मैंने। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड ओपन होगा, और ए इज लेस देन जीरो होगा तो डाउनवर्ड ओपन होगा। तो ये तो होगा नहीं। ठीक, रिवर्स वाले क्वेश्चन में ऐसे ही देखे थे। नेक्स्ट कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, आंसर करना है। अब देखो यहां पर तीन बार एक्स एक्सिस पर टच कर रहे हैं, मतलब कि तीन जीरो होगा, थ्री डिग्री पॉलीनोमियल है। ठीक, इन द अबव हाउ मेनी जीरोस आर देयर द पॉलीनोमियल इज, ऑप्शन बी थ्री, मतलब तीन बार टच करे तो तीन जीरोस, द थ्री जीरोस इन द अबव ग्राफ आर, तीन जीरोस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक है माइनस थ्री, माइनस सिक्स और सॉरी माइनस थ्री, माइनस वन और टू, माइनस सिक्स नहीं होगा क्योंकि वाई पर है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, माइनस थ्री, माइनस वन और टू, ऑप्शन बी सी डी ऑप्शन लिखा है। अरे चलो ऑप्शन डी, क्यूबिक वाला, क्यूबिक का फंक्शन हटाया ना। ग्राफ में क्यूबिक और क्वाड्रेटिक से कोई मतलब नहीं है। ग्राफ में तुम्हारा हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक भी दे सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। क्यूबिक का क्या हटा है, क्यूबिक का सिर्फ वो वाला पार्ट हटा है जहां पर हमको क्यूबिक पॉलीनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, और क्यूबिक पॉलीनोमियल का जीरोस फाइंड करना हमको लगता है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड करने से कहीं ज्यादा आसान है। कुछ नहीं करना था, डिवाइड करो, डिवाइड करके फैक्टराइज करो, मतलब एक स्टेप आगे है। वहां पर सिर्फ फैक्टराइज कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करके फैक्टराइज करते हैं। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलीनोमियल, कहता है कि पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमको जीरोज है, अच्छा दे दिया है बनाने के लिए, नहीं पॉलीनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा बताओ। ए एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स, अच्छा प्लस सिक्स और माइनस सिक्स, प्लस सिक्स हो गया माइनस सिक्स, अच्छा चलो क्या होता है बताओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक तीनों। अब बताओ इसका क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसका माइनस डी बाई ए, इसका सी बाई ए। ठीक, अब जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे अरेंज कर दो।
ये वाला पढ़ना नहीं है, सिलेबस से हटा दिया है, अब दे दिया केस स्टडी में, कोई बात नहीं। मैंने 6 हो गया, गलती हो गई है, अब याद आया, मैंने 6 वाला है। चलो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसमें तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आंसर नहीं आ रहा है? किसका आंसर नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं क्वेश्चन। कहता है अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स। देखोगे लीनियर इक्वेशन, अच्छा ये चैप्टर ज्यादा आसान होता है जहां तक हम मानते हैं, ऑप्शन अगर रहता है तो, लेकिन फिर भी अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। 1 mark इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर व्हाइल 1/4 mark इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अ स्टूडेंट न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। एकदम वैसे ही तुक्का वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जानता था, कुछ क्वेश्चन नहीं जानता था, और टेस्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स के बेस पर। देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन को सिक्वेंस किया गया, ट्रू और फॉल्स है, या तो ट्रू मारेगा तो फॉल्स मारेगा, है ना। वो कुछ क्वेश्चन जानता है, सही क्वेश्चन करेगा तो उसको हर करेक्ट आंसर के लिए क्या मिलेगा, 1 mark मिलेगा, और अगर इनकरेक्ट करेगा तो 1/4 marks कट जाएगा, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन जानता है सही मारता है, जो जानेगा वो सही मारेगा, और बाकी जो नहीं जानता उसको क्या करता है, गेस कर देता है। कहता है ही आंसर 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। 120 क्वेश्चन बनाता है, 120 क्वेश्चन में उसे 90 मार्क्स मिलते हैं, ठीक, कोई डाउट नहीं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहता है टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर आसान एकदम सिंपल समझा दिया गया है अच्छे से फिगर के साथ कि बच्चे को समझ में आ जाए कि अगर सही दे रहा है जवाब, क्या कर रहे हो, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, अगर जवाब सही दे रहा है तो 1 number मिलेगा, अगर गलत जवाब दे रहा है तो 0.25 कट जाएगा, ठीक है ना। इसका ये भी मतलब है कि अगर मान लो कि जवाब गलत दे रहा है तो 0.25 कट रहा है, मतलब कि 1 number तो ऐसे भी उसका माइनस हो रहा है, ठीक है। 5 question मान लो एग्जाम में है, ठीक है, 5 question में अगर तुम मान लो 3 question सही बनाए, ठीक, तुम 5 question था, 5 में 5 टच किए, 3 question सही बनाए तो तुमको 3 number मिला, ठीक है, और 2 question गलत किए तो तुम्हारा 2 number तो ऐसे गया, और 1 number गलत जाने पर 3 number, तो मतलब तुम्हें मिलेगा 0, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का ये, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग वाला बहुत सारे एग्जाम में लड़का का नेगेटिव मार्किंग आता है, पता चला कि माइनस में नंबर आ रहा है एग्जाम में। कारण क्या है? नेगेटिव मार्किंग, सही से ज्यादा उसने गलत बना क्या है। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली। देखो इसी यही 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 एग्जाम इस बार तुम लोगों के आने वाला है, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था ना, शायद सैंपल पेपर के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया इस बार। मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर देखिए हो ना, अरे जो सीबीएसई इस बार निकाला है, हाँ जो प्रिंट करके दिया, उसमें देखोगे मेरे ख्याल से उसमें नहीं दिया है ऑप्शन, है सैंपल पेपर लाई हो, लो तुम लोग नहीं लाते हो, बहुत बढ़िया। ये ऐसे कैसे हो गया? बाईस तेईस, हाँ देखो सैंपल पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं ना है, तो एग्जाम में भी तुम लोग ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलो क्या कि पूरा श्योरिटी है कि क्वेश्चन जो होगा वो विदाउट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन के 20 ही क्वेश्चन होने वाले, ठीक है, तो ऑप्शन का 20 क्वेश्चन होगा, तो ऑप्शन के 20 क्वेश्चन होने का मतलब क्या है कि एग्जाम में तुम्हारा ओवरऑल जो क्वेश्चन होगा वो कितना आएगा, 20 ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि 1 to 20 ही होगा, ठीक, यानी केस स्टडी बेस्ड जो होगा वो तुमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और बाकी सॉल्यूशन का तो मैंने तरीका बताया ही है कि अगर जब सॉल्यूशन करोगे तो रफ कहां पर करना है ना, और सॉल्यूशन इधर करना है, ठीक, देखते हैं। कहते हैं इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। कहता है कि जितने क्वेश्चन, देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का यही कमाल है, तुम्हारा लैंग्वेज जितना बढ़िया उतना अच्छा तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक, हाँ लैंग्वेज जितना बढ़िया है मतलब कि तुम जितना अच्छा लैंग्वेज को समझ पा रहे हो
उतना अच्छे से तुम क्वेश्चन का जवाब दोगे। कहते हैं इफ यू आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाई गेसिंग वेयर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ठीक और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कहता है कि जितने क्वेश्चन को उसने गेस करके अटेम्प्ट किया सबके सब गलत बना दिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन उसने गेस करके अटेम्प्ट किया वो सारा का सारा उसका गेस क्या था, गलत था। तो कहता है कि कितने क्वेश्चन को उसने कहता है कि करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, तो पहले क्या करने चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो दो, अब दो वेरिएबल कैसे लेकर चलेंगे, पहले मान लो नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि x क्वेश्चन उसने क्या किया, आता था, y क्वेश्चन उसको नहीं आता था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर कितना बना 120। ठीक है, x क्वेश्चन जो वो जान रहा है, y क्वेश्चन जो वो नहीं जान रहा है, दोनों क्वेश्चन को मिलाकर उसने कितना कितना बनाना 120। ठीक, अब क्या हुआ, वो x क्वेश्चन जान रहा था तो x क्वेश्चन के लिए उसको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक, और y क्वेश्चन जो वो नहीं जान रहा है, ठीक है, y क्वेश्चन जो वो नहीं जान रहा है उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 0.25 मार्क्स जो होगा वो कट जाएगा। तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा, दैट मींस कि माइनस में होगा, होगा ना, इज इक्वल टू 90। उसको कितना मार्क्स मिला, 90 मार्क्स मिला। ऐसे ही बनेगा, बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, नहीं सॉल्यूशन किए तुम लोग, अरे ये सैंपल पेपर नहीं बनाया। चलो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 और सेकंड इक्वेशन x माइनस 0.25 इज इक्वल टू 90, माइनस प्लस माइनस ये कट गया तो हो जाएगा 1.25y इज इक्वल टू 9 × 3 = 30, पॉइंट हटा देंगे 0 0 0, 25 25 125 25 100, 5 × 30 y = 24। मतलब उसने y मतलब 24 क्वेश्चन जो था उसने रॉन्ग सॉल्व किया, 24 क्वेश्चन जो था वो रॉन्ग सॉल्व किया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ जहां पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन वाला भी चेक कर लेना है, लेकिन जहां अगर एलिमिनेशन से बना रहे तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एलिमिनेशन से नहीं बनाया हो सोल्यूशन करके बनाए हो तो कोशिश करना कि हम एक बार आंसर को चेक कर ले। ठीक है, तो इस आंसर को चेक कर लेते हैं, मेरा वाई बराबर 24 है, मैंने अभी बताया ना कि 24 अगर उसने क्या क्या रॉन्ग अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो मतलब कि उसको 1.25 का लॉस हो रहा है हर बार। ठीक है, तो 1.25 को मतलब के मल्टीप्लाई 25 25 125 25 100 4 6 24 6 5 30, 30 नंबर उसका क्या हुआ, कट गया। ठीक है, मतलब कि उसने 24 क्वेश्चन जो था वो गेस किया और सारा का सारा गेस उसका गलत ही था। ठीक है, तो मतलब अगर 24 क्वेश्चन उसने गेस से बनाया मतलब कि उसने 60 क्वेश्चन जो था वो जानता था। ठीक है, सॉरी 30 क्वेश्चन, हाँ 96 वो जानता था और 24 उसने क्या किया गलत, वो नहीं जानता था जिसको उसने गेस करके अटेम्प्ट किया। क्लियर है, तो मतलब के ऐसे समझो कि 96 मार्क्स आता लेकिन आया कितना 90, अगर वो रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करता, अगर गेस नहीं किया होता तो उसका 6 मार्क्स बढ़ गया होता, समझ में आया, सिर्फ रॉन्ग अटेम्प्ट करने पर उसका 6 मार्क्स कम गया। क्लियर, तो ये समझ में आया कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस, उसने कितने क्वेश्चन गेस किए, 24 क्वेश्चन गेस किए उसने, कहता हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली 96। ठीक, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। कहता है कि अगर उसने सारे क्वेश्चन जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट किया उन्होंने उसने कि बाय गेसिंग वेर रॉन्ग, सारा का सारा गलत रॉन्ग किया, गलत किया। ठीक, तो वापस से वैसे ही मेथड, x प्लस वाई बराबर 120 और x माइनस 0.25 इज इक्वल टू 80, यहाँ पर 90 की जगह 80 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर y माइनस प्लस कट गया, 1.25y बराबर यहाँ पर माइनस, तो 8 × 12
पच्चीस पच्चीस पच्चीस, पच्चीस चौके सौ, पाँच अठी चालीस, वाई बराबर पाँच चौके बीस, वाई बराबर कितना आ गया 20। तो कहता हाउ मेनी आंसर्ड 80 करेक्ट, 80 करेक्टली, नहीं नहीं नहीं, इफ यू आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड ही आंसर्ड 80 करेक्टली। अच्छा 80 सही करेक्ट किया, ठीक है, सही आंसर 80 करेक्ट किया है, ठीक, तो ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 80 करेक्ट किया है, तो 80 करेक्ट करने का मतलब कि इसको 80 मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक, 80 मार्क्स इसको मिला, और बचा कितना 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अगर वो रॉन्ग करता है तो 40 क्वेश्चन रॉन्ग करने का मतलब ये है कि उसको 0.1.25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 1.25 डिवाइडेड बाय 100, 25 25 25, 25 चौके 100, चार धाम के 40, मतलब के 50 नंबर कट गया। देखो मार्कर वो वाला, पचास मार्क्स कट जाएगा। तीसरी नंबर आएगा, हाँ 40 नंबर ऐसे ही कट गया, 10 नंबर और गया, तो कितना होगा, हाँ 50, मतलब क्या वो उसे कितना मार्क्स आएगा, 30 मार्क्स आएगा, ठीक है, मतलब कि उसे कितना मार्क्स आ रहा है, 30 मार्क्स आ रहा है। कहता है इफ यू आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वेयर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली टू स्कोर 95। कहता है कि वो जो गेस करता है वो सारा का सारा उसका गेस गलत जाता है, ठीक, लेकिन वो इतना करेक्ट बनाता है कि उसका स्कोर 95 आ जाए, स्कोर 95 आएगा, तो स्कोर 95 कब आएगा, जब उसका करेक्ट और इनकरेक्ट मिला दिया जाए, तब वो गेस कर रहा है, गेस वाला सारा क्वेश्चन का सारा आंसर गलत है, ठीक, तो वो कैसे स्कोर करेगा कि कितना, मतलब कितना करेक्ट बनाएगा कि उसका स्कोर 95 पहुंचे, 100 बनाएगा, ऐसे ही गेस कर रहे तुम भी, स्कोर करना ना, तो 95 स्कोर कब करेगा, जब x प्लस 0.-0.25 y इज इक्वल टू 95, ये उसका 95 आना चाहिए, ठीक है, ये 95 आना चाहिए, ठीक, और x प्लस y इज इक्वल टू 120 माइनस प्लस माइनस काट देंगे 1.25 y इज इक्वल टू 5, 9 दो 11 पॉइंट हटा दिए, 25 25 125, 25 चौके 100, 5 25 25, यानी वाई बराबर 20, वाई बराबर 20, मतलब कि वो 20 गलत बनाएगा क्वेश्चन और 100 सही बनाएगा, यानी 100 क्वेश्चन अगर करेक्ट अटेम्प्ट करेगा तो उसका क्या होगा, 95 आएगा, ठीक है, क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अमित इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस, इधर वाले क्या मिटा क्यों दिए, सॉल्यूशन उतारना था, वापस से कर लो सॉल्यूशन, उतारने की जरूरत क्या। अमित इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट द एरियाज ऑफ टू बेडरूम्स एंड किचन टूगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। कहता है अमित जो है वो एक हाउस बनाने का सोच रहा है, वो नीचे लेआउट दिया गया है उसका, ठीक है, और मेजरमेंट दिया गया है, दो बेडरूम बनाना है और किचन बनाना है, जिसका ओवरऑल जो है वो एरिया जो है वो कितना आ रहा है, 95 स्क्वायर मीटर आ रहा है, मतलब इसका पूरा लेआउट जो है वो कितने स्क्वायर का है, 95, मतलब अगर इसका टोटल लेंथ ले लें और ब्रेथ ले लें, ठीक है, यानी एल इंटू बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 95 दिया गया। अब बेडरूम का कुछ साइज दिया गया है, ठीक है, लिविंग रूम है, किचन है, सबका अलग अलग दिया गया। अब तुमको फाइंड क्या करना है, इसमें से एक्स और वाई पहले से दे दिया गया है कि तुमको एक्स और वाई पहले तुमको पता होना चाहिए इस लेआउट में, तो एक्स और वाई फाइंड कैसे करोगे, 5 5 10 2 12, मतलब इसका ब्रेथ जो है वो 12 है, ठीक, और ये इसका जो लेंथ है वो कितना है, 15,
ब्रेथ 12 है, लेंथ 15 है, इतना आ जाएगा। 12 गुने 15 180 आएगा। और ये ऊपर क्या चीज कर दिया, कहता है इस प्लानिंग टू बाय हाउस एंड लेआउट इज गिवन टू द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट द एरियाज ऑफ टू बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज नॉट। अच्छा, दो बेडरूम का और किचन का पूरा नहीं दे रहा है, दो बेडरूम का और किचन का मिलाकर 95 आ रहा है। मतलब दो बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ठीक है, और ये किचन, इन तीनों का लेआउट मिलाकर कितना आ रहा है, 95, ठीक है। ये और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल कितना है, 180, ये वाला नहीं, ठीक। अब किचन और बेडरूम, मतलब कि अगर इसका एरिया देखोगे तो इसका 5x और इसका कितना है, इसका भी लेंथ उतना ही होगा, ठीक, तो ये भी 5x और इसका हमको अगर ब्रेथ देखो तो चौड़ाई 5 ही है और ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y। मतलब ऐसे समझो 5x + 5y = 95, ठीक है। 5 × 5 = 10, 5 कॉमन ले लोगे तो 2x + y = 95, 2x + y = 5 × 5 = 45, 19 × 55 = 95, 2x + y = 19, ठीक है, 2x + y = 19 हो गया, ठीक। अब पूरा लेआउट जो है वो कितना है, पूरा लेआउट जो है वो 180 स्क्वायर मीटर का है, मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। अब तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, x और y का वैल्यू पहले माइंड में रखना है कि हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। अब तुम इसका निकालोगे तो तुमको तो l l into b अगर निकालते हो, l into b बराबर कितना आता है, 180, 5 × 5 = 10, 12 × 15 = 180, ठीक। और तुम अगर इसका पूरा लेंथ लोगे तो लेंथ कितना है, x प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 180, 12 से 180 बार काट दोगे 15 बार में, और x प्लस वाई बराबर 13 प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर 13 और 2x प्लस वाई बराबर 19, माइनस 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 काट देंगे, माइनस एक्स बराबर -6, यानी x बराबर कितना आ गया, 6, 16 नहीं 13 6 19 होगा ना, x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, 6 रख देंगे, 6 दूनी 12, 12 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 7, हमको x और y का वैल्यू पता चल गया। ये तुम साइड में रफ में कर लोगे, उसके बाद नीचे आओगे, नीचे जो भी दिया रहेगा सब इसी के बेसिस पर रहेगा, ठीक है। आते नीचे, कहता है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फ्रॉम दिस सिचुएशन फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से क्या करना है, लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल का क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन तो हम बना चुके हैं, इसको लैंग्वेज में बस लिख देना है तुमको, ठीक। कैसे लैंग्वेज में, तुमको ये लिखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा बेडरूम है, लैंग्वेज में कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे बेडरूम है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तुम ऐसे मान लो सिंपली लिख दो, चूंकि एक्स और वाई दिया गया ना, तो सिंपली लिख दोगे फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ टू बेडरूम एंड किचन इज इक्वल टू, और एरिया ऑफ टू बेडरूम मतलब 5x + 5y = 95, ये पहला इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके लिख लोगे 10x प्लस, वहां पर लिख लोगे 10x प्लस y बराबर 95, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गया। फिर दूसरा, एज पर द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द ओवरऑल एरिया ऑफ द प्लेस इज इक्वल टू l into b इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब उसमें क्या करोगे कि l into b दिया गया, तो सिंपली तुम बस इसी को सॉल्व कर दोगे, वो तुम्हारा हो जाएगा। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हम पूरा कहानी लिख रहे हैं, लैंग्वेज मैथ्स में थोड़ा थोड़ा सा तो लैंग्वेज ही लिखाता है, हाँ बस इतना लिख कर कि तुम कर क्या रहे, तुमने जो x और y पिक किया वो x और y कैसे पिक किया है, ठीक है। तो वो तुमको वहां पर सिर्फ उसको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट, आउटर बाउंड्री कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री लेआउट, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री लेआउट, आउटर बाउंड्री लेआउट का फाइंड करना है। तो आउटर बाउंड्री लेआउट का मतलब कि पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है, तो 15, 15, 30 और 12 × 2 = 24, 30 और 24 कितना हो गया, 54, ठीक।
इसका हो जाएगा 54. फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड द किचन इन द लेआउट. हर बेडरूम का और किचन का क्या करना है, एरिया निकालना. तो हमको तो x और y का वैल्यू पता है ना, x का वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, x का वैल्यू कितना है 6, y का वैल्यू 7. तो यहाँ पर 6 है तो 6 पचे 30, ये भी 6 पचे 30 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 पचे, अच्छा y का वैल्यू 7 है, हाँ तो ये हो जाएगा 7, 7 पचे 35. कोई दिक्कत नहीं. नीचे आते हैं फिर से, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट, ये तो हो गया. फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट. एरिया ऑफ लिविंग रूम, एरिया ऑफ लिविंग रूम, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिविंग रूम है. ठीक, तो ये वाला भी ले लेंगे लिविंग रूम में. क्यों लेंगे इस वाले पार्ट को बता सकते हो? क्योंकि ये ग्रीन वाला पार्ट ही दिया है, क्वेश्चन ही ऐसा दिया है. इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, कहोगे कि यहाँ से लें या फिर ये वाले पार्ट को छोड़ दें, चूंकि ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर से लिविंग रूम ही दिखा रहा है, तो हम पूरा ग्रीन ही लेंगे. ऐसा मत सोचो कि एग्जाम में काट देगा. ठीक है, ये क्वेश्चन का इरर है. ठीक है, ये क्वेश्चन का इरर है, ना कि खुद का इरर है. लिविंग रूम को ग्रीन कलर से दिखाया तो ग्रीन रूम, ग्रीन कलर यहाँ से शुरू हो रहा है. ठीक, तो ऐसा कभी माइंड में अगर तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिए, वहाँ पर तुम उसको अटेम्प्ट कर लोगे. सीबीएसई का जब मार्किंग स्कीम आता है तो वहाँ पर मेंशन रहता है कि वो कैसे इसका आंसर चेक करना है. वो वहाँ पर लिबर्टी दे देता है टीचर के हाथ में कि वो बच्चा अगर इतना भी लेगा तो भी सही, अगर पूरा ले रहा है तो भी सही. लेकिन जनरल केस में अगर हमको जो दिख रहा है सामने में उसी चीज़ को फॉलो करते हैं. लिविंग रूम ग्रीन है, पूरा का ग्रीन है, तो पूरा ग्रीन का मतलब क्या है कि हमको पूरा का पूरा ग्रीन पोर्शन को निकाल लेना है. ठीक, तो पूरा का पूरा ग्रीन पोर्शन कैसे निकालोगे? ये वाला पार्ट कितना है? ये वाला पार्ट है 2 मीटर का, इसका लेंथ ये ब्रेथ, और इसका लेंथ कितना है 5, तो 5 × 10 यानी इसका एरिया हो गया 10. और इसका निकालोगे तो ये वाला कितना है 7 और 2 9. ठीक है, ये 9 और यहाँ 5 × 2 7, तो 7 × 9 = 63 और 63 × 10 = 73. तो लिविंग एरिया का जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 73 मीटर स्क्वायर. 75 कैसे आ रहा है? अच्छा, पूरा का एरिया निकाल कर दोनों बेडरूम का एरिया घटा दी बस. और ये नहीं, वो नहीं, ये जो ग्रीन पार्ट है ना, हाँ, लिविंग रूम ऊपर वाला नहीं, लिविंग रूम जो है, अच्छा ये पूरा निकाली, हाँ, और बेडरूम को घटा दी तो 75 कैसे आएगा? हम भी वैसे ही कर लेते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा. ये पूरा 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ 10, और ये पूरा का पूरा 15, तो 15 × 150. ठीक है, 150 पूरा आ गया. और एक बेडरूम का कितना है, क्या अच्छा अच्छा ब्रेथ 7 होगा, तो 15 × 7 कितना हो गया, 105, और जाकर 6 × 25 = 30 घटा देंगे 5, 75 आ रहा है. अरे ऐसा कैसे होगा? तो हम कैलकुलेशन गलती कर दिए होंगे. 5 × 2 = 7 और ये यहाँ तक ये कितना आया है, x का वैल्यू कितना आया है 6, 15 × 6 = 2 = 9, 7 × 63. अरे ये बड़ा तो अजीब हो गया. और यहाँ तक का अगर लेंथ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक का x का वैल्यू कितना है 6 × 2 = 12 होगा. अरे कैलकुलेशन में गलती हो गई, 12 63 और 12 75, हम 10 ही लिख, ये वो 30 लिख दिए, पता नहीं 75 ही आएगा. सही है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिंग टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ ₹50 per square meter. टाइल्स बिछाने का कॉस्ट बोल रहा है कितना होगा, किसमें, किचन में. तो किचन का एरिया तो अपने को पता है, किचन का एरिया कितना है 35 है ना, तो 35 और 50 रुपये के हिसाब से ले रहा है, 50 रुपये के हिसाब से ले रहा है ना, 1750 रुपये. कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है.
चलो नेक्स्ट केस केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी 3 कहता है इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रैवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो रिक्शा टैक्सीज रेडियो कैब एक्सेट्रा द ऑटो चार्जेस इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन। ये तो कहानी अच्छा से तुम लोग को बताएं ये वाला है ना। सिटी ए और सिटी बी दो शहर है, दोनों शहर का अलग अलग रेट है। क्या कर रही हिल रहा है? दो शहर है दोनों का अलग अलग रेट है। कहता है डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर 10 और 15, 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और 15 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। कहता कितना दिया जाता है, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने पर 75 रुपया और 15 किलोमीटर ट्रैवल करने पर 110 रुपये। वहीं सिटी बी में 8 किलोमीटर ट्रैवल करने पर 95 और 14 किलोमीटर ट्रैवल करने पर 145 देना पड़ता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर जो दिया गया है ये चार्ज वो कैसे बना है, फिक्स चार्ज से और डिस्टेंस कवर्ड से, है ना। तो फिक्स चार्ज x होगा, डिस्टेंस कवर्ड y होगा, तो कितना मिल रहा है 75। और उसी तरीके से यहाँ पर x प्लस 15y बराबर 110, ये इसका इक्वेशन बन गया। नीचे वाले का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 8y बराबर 91 और x प्लस 14y इक्वल टू 145। ऐसे ही होगा कुछ इक्वेशन। आते हैं नेक्स्ट, कहता है सिचुएशन वन ए सिटी ए द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पे डी 75 एंड फॉर जर्नी ऑफ, ये लिखा गया स्टेटमेंट में लिखा गया उसी को। ठीक है, रिफर सिचुएशन वन, कहता है द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा बी एक्स रुपीज एंड रनिंग चार्ज बी वाई रुपीज पर किलोमीटर, द पेयरिंग ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज। कहता है कि अगर मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज जो है रिक्शा का वो कितना है, एक्स रुपया है, ठीक, और रनिंग चार्ज जो है वो वाई रुपया। यहाँ पर तो दोनों सिचुएशन लिखा हुआ ही है। कहता है कि कौन सा जो है वो लीनियर इक्वेशन जो है वो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स प्लस 10y, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 75, है ना, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 75 और एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 110 है ना, एक ही चीज के लिए पूछा है ना, बी होगा x प्लस 10y इक्वल टू 75 और x प्लस 15y इक्वल टू 110 सिटी वन के लिए। ठीक है, इसीलिए लिखा गया रिफर सिचुएशन वन, सिचुएशन वन को रिफर करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है अ पर्सन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर द अमाउंट ही पेस टू, अगर कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना पैसा पे करेगा। तो अब हमको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल टू 75 और x प्लस 15y इक्वल टू 110, तो x प्लस 10y इक्वल टू 75 और x प्लस 15y इक्वल टू 110, माइनस 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 कर दिया, माइनस 5y बराबर 110 में मतलब 25 और 35 माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, 5 सत्ते 35, यानी y बराबर कितना आ गया 7, है ना, y बराबर 7 और x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। सेकंड वाले इक्वेशन में देख लेते सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 15 सत्ते 75 से 105, 105 और प्लस 5 10, ठीक। अगर 50 किलोमीटर जाएगा तो 50 किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज 5 रुपया और 7 रुपया, तो 7 5 35 350 और प्लस 5 355 रुपया। ऑप्शन में है 355 रुपया, ऑप्शन में 355 रुपया, ऑप्शन सी है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, अब रिफर सिचुएशन टू, मतलब सिटी टू के केस के लिए, है ना। सिटी टू का इक्वेशन हमने बनाया था क्या, x प्लस वाई, एक्स प्लस 8y इक्वल टू 91, ठीक। तो कहते हैं व्हाट अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। सेकंड वाले सिचुएशन के लिए देखते, तो सेकंड वाला ऊपर आते, यहां पर क्या कह रहा है, x प्लस 8y बराबर 91 और x प्लस 14y इज इक्वल टू 145, माइनस 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 कट गया, तो 8 6 14 माइनस 6y बराबर 145 में से 91 घटा देंगे, ठीक है, तो 4 कितना 54
-54 छह नंबर चौवन यानी वाई बराबर पांच नौ, नौ रख देंगे आठ नंबर बहत्तर, बहत्तर 91 में से 72 घटा देंगे, नौ दो ग्यारह क्या 19, चलो कोई नहीं। तो 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए बोल रहे, तो 30 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया 19 रुपया फिक्स्ड है ठीक, और 9 रुपये उसका चार्ज लगेगा, तो 9 किया 27 270 289 ठीक, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। कहता है ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन आर सिचुएशन टू, वो ग्राफ जो के सिचुएशन टू को कंसीडर कर रहा है ठीक है, वो ग्राफ जो सिचुएशन टू को कंसीडर कर रहा है, यहाँ पर ग्राफ बहुत ज्यादा साफ नहीं आ रहा, वैल्यू नहीं पता चल रहा था, अब वो ग्राफ ही ऐसा दिया, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ग्राफ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मोबाइल व्हाट्सएप पे एक बार देख लेना ठीक है, यहाँ ऐसे यहाँ पर भी उतना कुछ साफ पता नहीं चल रहा, बहुत ब्लर आ रहा है, ये वाला पार्ट ये दोनों साफ दिख रहा है, ये वाला पार्ट ब्लर आ रहा है, लेकिन दोनों पार्ट में एक चीज क्या है, अगर दोनों ग्राफ में देखोगे एक क्या है एलिमिनेट करके देख सकते हो कि यहाँ पर पैरेलल ग्राफ है ठीक है, और तुम पैरेलल और इंटरसेक्टिंग वाला प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक, तो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन को देखोगे उससे अगर सॉल्व होता है तो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लास्ट देख लेते हैं इसको छोड़ देंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, लगता है 2-3 दिन लग जाएगा सॉल्यूशन होने में। और सब भी तो है तुम्हारे बगल में ही है, यूसुफ भी है, बनाए हो यूसुफ हाँ, ठीक अजय, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स, राज कार ट्रैवल एट स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर व्हाइल अजय कार्स ट्रैवल 15 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार, राज टुक 4 आवर्स मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर ठीक है, राज और अजय दोनों की गाड़ी है, दोनों दोस्त हैं, दोनों रानीखेत जा रहे हैं ठीक है, ठीक है, कहता है कि राज का जो कार है वो 1 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ठीक, और अजय का जो है वो राज की कार से 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है ठीक है, अजय की कार की जो स्पीड है वो राज के कार की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ठीक, राज जो है 4 घंटा ज्यादा टाइम लेता है पहुंचने में ठीक, और दोनों का जो डिस्टेंस दिया गया वो 400 किलोमीटर दिया गया, मतलब कि राज टुक 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रफ्तार का डिफरेंस है और डिस्टेंस जब 400 किलोमीटर का ट्रैवल करता है तो राज जो है वो 4 घंटा ज्यादा ले लेता है ना, राज जो है वो 4 घंटा ज्यादा लेता है क्योंकि अजय का कार जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड है ठीक। कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स, 2 घंटे में अजय का कार कितना ट्रैवल करेगा, इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले केस स्टडी में इतना तो समझ में आया होगा कि पहले इक्वेशन वगैरह बना लेते हैं है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा, पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक पोजीशन है और ये एक दूसरा पोजीशन है ठीक, दोनों पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस डिस्टेंस है ए से बी, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ठीक, 400 किलोमीटर का सपोज डिस्टेंस होगा ठीक है, एक क्वेश्चन के ऊपर से ही क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी नीचे वाला क्वेश्चन के हिसाब से ऑटोमेटिक इक्वेशन बन जाता है, दोनों का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर ठीक, अजय जो है वो x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, राज जो है वो x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो अजय जो होगा वो कितना जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर से जाएगा क्योंकि इसका गाड़ी की जो रफ्तार है वो राज की गाड़ी की रफ्तार से 5 किलोमीटर ज्यादा है ठीक, और अजय राज जो है वो 4 आवर्स का ज्यादा समय ले रहा है ना, राज जो है वो 4 आवर्स का टाइम ज्यादा ले रहा है
तो अब क्या करेंगे कि चूंकि ये 4 आवर का टाइम ज्यादा ले रहे ना, तो सिंपली स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस तो अपना कॉन्स्टेंट है ना, वैरी क्या कर रहा है, टाइम वैरी कर रहा है, और स्पीड बाय डिस्टेंस लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं? ठीक, स्पीड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ठीक, अब डिस्टेंस बाय स्पीड ले लेंगे टाइम, तो टाइम तो हमको पता चल रहा है कि टाइम जो है वो 4 घंटा ज्यादा ले रहा है। टाइम कौन ज्यादा ले रहा है, जिसको टाइम ज्यादा लगेगा जाने में, तो जिसको टाइम ज्यादा लगेगा दैट मीन्स कि वो ज्यादा बड़ा है ना। तो टाइम किसका ज्यादा लग रहा है, राज का टाइम ज्यादा लग रहा है। राज टाइम माइनस अजय टाइम इज इक्वल टू 4, क्योंकि राज का टाइम ज्यादा है क्योंकि उसकी स्पीड कम है, और अजय का टाइम कम है क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। ठीक, तो राज का जो गाड़ी होगा वो कैसे ट्रेवल करेगा, 400 बाई x माइनस 400 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। कोई डाउट नहीं? आते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कहता है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स, 2 घंटे में अजय का कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अजय का बोल रहा है, तो अजय का जो स्पीड है ठीक है वो कितना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो बोला है 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस है ना। तो अजय का स्पीड है x प्लस 5 और टाइम कितना है 2, तो 2x प्लस 10। ठीक, 2x प्लस 10 अगर कहीं पे दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो 2 x + 5 है तो वो भी सही है, 2 x + 5 ऑप्शन 1 में, तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार, कौन जो है वो राज की कार की स्पीड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो राज का कार का स्पीड किससे पता चलेगा, स्पीड ऑफ राज कार, राज की कार का स्पीड। तो राज की कार का स्पीड का मतलब क्या है कि राज का कार जो है, अगर राज की कार का स्पीड निकालेंगे तो इसका मतलब इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन मैंने बनाया, 400 कॉमन ले लो ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4, 4 से काट दो 100 टाइम्स में ठीक है। तो ऊपर x से x कट गया तो हो जाएगा 500 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। इससे x का वैल्यू पता चल जाएगा, जो इक्वेशन है सेम इक्वेशन यहां पर आंसर में होगा। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 ऑप्शन सी में दिया गया, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार, राज के कार का स्पीड कितना है, इसको सॉल्यूशन करोगे जो x का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है 20। सरप्राइज कर चुके हो ठीक है, चेक करके देख ले। एक्स का स्क्वायर 220 बोले ना, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 ठीक है, और प्लस एक्स 20 25 100, सही है ठीक है, दोनों को सोल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 500 दिया गया ना, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 और 20 25 100, 400 प्लस 100 500 दोनों बराबर हो गया, RHS बराबर RHS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रैवल 400 किलोमीटर, अजय को कितना टाइम लगेगा, अजय को कितना टाइम लगेगा। अब देखो हमको स्पीड पता है ठीक है, हमको स्पीड पता है ठीक, तो टाइम निकाल सकते हैं। उसका कितना आया है, ऊपर वाले का आंसर कितना आया है 20 ठीक। तो जब इसका 20 आया है मतलब कि इसका गाड़ी का रफ्तार होगा 25, 400 भागा 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16 घंटा ठीक। और क्वेश्चन है इसमें, चलो आज तक आज के लिए केस स्टडी 1 रहने देते हैं, कल केस स्टडी 2 देखेंगे ठीक है। आज कितना चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर,